नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन बड़ी खबरों के साथ। जबलपुर शहर के कोतवाली इलाके में पाकिस्तान क्रिकेट लीग पर सट्टा चल रहा है, जिसके तार जबलपुर सहित कई जिलों में फैले हैं। लिहाजा जैसे ही क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि संदीप जैन अपने घर से क्रिकेट सट्टा चला रहा है, वैसे ही कोतवाली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने संदीप के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर। पुलिस ने आरोपी के घर से 8 मोबाइल, लैपटॉप और कई डिवाइस बरामद की है। भैया, किस तरह की कार्रवाई हुई और क्या मामला? देखिए, आज इनपुट मिली थी क्राइम ब्रांच को कि ये सट्टे का ला रहा है, जिसमें एसआई डोंगरे और राज पांडे की टीम इनपुट को कोतवाली डीआई साहब को शेयर किया और एक ज्वाइंट टीम बनाई गई अधिकारी नॉलेज में डाल के उस टीम ने यहाँ का रेड किया है। तो इसके पास 8 मोबाइल, 2 टैब और लैपटॉप और बहुत सारा रिकॉर्ड मिला है। जबलपुर के राजकुमारी बाई बाल निकेतन से 4 बच्चियां पीछे के दरवाजे से भाग निकली। चारों बच्चियों की उम्र 15 साल से कम है। चारों बच्चियों ने पहले तो ग्रुप में रहकर सलाह की, फिर एक साथ पीछे के दरवाजे पहुंची, जहां पर दरवाजा खोलकर फरार हो गई। चारों बच्चियों को हाल ही में चाइल्ड लाइन ने राजकुमारी बाई बाल निकेतन शिफ्ट किया था। जानकारी के मुताबिक 3 किशोरी जबलपुर की रहने वाली है, जिसमें एक लड़की का गड़ा थाने में आपराधिक प्रकरण चल रहा है, जबकि 2 अन्य लड़कियां अपने परिजनों के साथ रेलवे स्टेशन में रहा करती थी, जिनको ठंड के समय बाल निकेतन में लाया गया था। जबकि फरार हुई लड़कियों में चौथी राजस्थान रहती थी और वो पेरेंट्स जो है घर से बाहर जैसे रेलवे स्टेशन पे साथ में रहती थी। इसमें एक बच्ची नहीं प्रॉपर की है, उसका किसी प्रकार का एक आपराधिक प्रकरण है जो थाना गड़ा में पंक्तिबद्ध है और उसके संबंध में उप न्यायालय में लंबित है। एक बच्ची राजस्थान भरतपुर का पता बताती है, उसके बारे में क्या उसकी वेरिफिकेशन है वो नहीं हुई है। और 2 बच्चियां रेलवे स्टेशन जबलपुर से दादी के साथ मिली, चाइल्ड लाइन द्वारा इनकी जमानत। दादी को वृद्धाश्रम में शिफ्ट कराया गया था। कुछ दिन बाद जो दादी है वो भी वहाँ से चली गई और इस प्रकार से ये बच्चियाँ आज जो है यहाँ से ताला खोल कर पीछे के रास्ते से चली। क्या कुछ वजह समझ में आई कि ऐसा उन्होंने कदम क्यों उठाया? क्या यहाँ से किसी बात को लेकर परेशानी थी या अन्य कोई कारण? नहीं नहीं, हमने बहुत सारी बच्चों से, हमारी महिला जो पुलिस अधिकारी है वो बात कर, उनका ऐसा कहना था कि हमको चाबी ला के दो, हम जाएंगे। ऐसी कोई यहाँ की कोई बात ऐसी सामने नहीं आती। जबलपुर के रहवासी इलाके गोरखपुर इमलीपुरा के पीछे स्थित एक मकान में संचालित देह व्यापार के अड्डे से परेशान लोगों का सब्र आज टूट ही गया और देह व्यापार संचालित करने वाली महिला के मकान में लोगों ने खुद ही छापा मार कार्यवाही कर दी। आम जनता द्वारा की गई कार्यवाही में 3 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले, जिनमें से दोनों युवकों को पकड़कर लोगों ने गोरखपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए दोनों युवक सेना के जवान बताए जा रहे हैं। गोरखपुर निवासी गीता ठाकुर द्वारा अवैध कार्य चलने के संबंध में इमलीपुरा वासियों के साथ थाना उपस्थित होकर आवेदन पत्र शिकायत की है। कुछ महिलाएं अवैध कार्य में लिप्त रहने के संबंध में, जिसमें क्षेत्र में महिला एवं बच्चियों के घर से आने जाने में परेशानी होती है, इस संबंध में जो अब जब शिकायत आने पर समय पर कार्रवाई की जाएगी। क्या वहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा है, 2 लोगों को लेके आएंगे, पुलिस उठाने गई थी मौके पर, तो क्या कौन लोग? क्षेत्रीय लोग, 2 आर्मी वालों को भी यहाँ पे पकड़। क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि 2 लोगों को लाए गए हैं जी, लेकिन अभी है नहीं है। और अगर ये ऐसा कोई कार्य भी चालू रहता है वहाँ पे गतिविधियाँ, तो सूचना देने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो 2 लोगों को थाने में लाके पुलिस के हवाले किया गया, वो कौन लोग हैं? अभी नहीं मुझे जानकारी इस संबंध में, जो आर्मी वाले के संबंध में बोल रहे हैं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। उन्हें थाने में लाया गया या नहीं लाया गया? थाने में लाया गया, मैं तो आया था अभी, भाई लोग साथ देखा है।